अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और अभी जो व्लॉग है ये जनाब आपको मेरे बैकग्राउंड पे शोर नज़र आ रहा है पानी का। ये कलाम से जनाब हम लोग जा रहे हैं गबराल की तरफ, अथरोट की तरफ। और ये रास्ते में हमें पॉइंट आया है ब्लू वाटर, ये यहाँ का मशहूर पॉइंट है। तो पानी देखिए कितना क्रिस्टल एंड क्लीन है और कितनी रफ्तार से आ रहा है। और साथ देखें ग्रीनरी, क्या कम्बिनेशन है पानी और ग्रीनरी। वो देखें एक फैमिली भी इंजॉय करती हुई नीचे नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और कुदरत का हसीन मंजर है जो कि हम लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। होपफुली आप लोग इंजॉय करेंगे। दरख्त देखें कहाँ कहाँ ऊपर तक जो हैं वो हुए हैं, फैले हैं कहाँ तक। सुबह वेदर, रात को वेदर जो है, यहाँ पे बारिश हुई है इस साइड पे और अभी धूप निकली है, लेकिन फिर भी धूप के बावजूद भी मौसम ठंडा है। ये देखें मैंने जैकेट अभी स्टिल जैकेट पहनी हुई है, ठंडक महसूस हो रही है, हवा ठंडी चल रही है। जिस तरह सर्दियों में चलते हैं ना, सर्दियों में जिस तरह हवा होती है उस तरह से हवा जो है वो चल रही है। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी पे नहीं, हम लोग ने ये फील्डर गाड़ी करवाई है। यहाँ पे ज़्यादातर जीपें और ये गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि रोड ख़राब होने की वजह से हमारी गाड़ी जो थी वो डैमेज हो सकती थी, तो फिर हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। अभी रास्ते में और जो जो पॉइंट आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि आप लोग इंजॉय करें घर बैठे। के साथ जिनकी गाड़ी के साथ गाड़ी पे हम लोग आए हैं और रास्ते में हमें डिफरेंट प्लांट्स का, ट्रीज़ का बताते जा रहे हैं। ये सामने अखरोट का, वॉलनट का दरख्त है, वो हमारे लिए तोड़ लेंगे हैं, तो वो मैं उसका जायका भी आप लोगों को खा के दिखाती हूँ कि किस तरह का जायका है। और हम लोगों ने यहाँ पर टर्निप, शलजम भी देखे हैं, कैबिज भी, कॉलीफ्लावर भी देखी है, यहाँ पर सैलिड भी देखा है, सलाद पत्ता भी देखा है हम लोगों ने। ये रास्ते में हमें जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा कुदरत के इन हसीन मनाजर को। ये टूर गाइड है हमारे, इधर लाएं जरा दिखाएं। ये फ्रेश अखरोट दरख्त से उतारे, हाँ जी दरख्त से उतरे हुए, नरम है लेकिन मज़े क्या, फ्रेश फ्रेश अखरोट है। चले अभी आगे चलते हैं, आगे भी जो जो पॉइंट आएंगे वो हम आपके साथ। अब अथरोट पहुँच चुके हैं और मुझे लगा था कि वो भी अशोक के जंगलात की तरह कोई घूमने फिरने की जगह होगी, लेकिन सच इस तरह की कोई जगह नहीं है। बस ये है कि खूबसूरत मनाजर रास्ते में बड़े आए हैं जो कभी हम लोग फिल्मों और ड्रामों में या तस्वीरों में देख पिक्चर्स में देखा करते थे।
लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखी है कि यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी घरों के आगे खेत बनाए हुए हैं, छोटे छोटे खेत जिसमें सेब के दरख्त हैं, अखरोट के दरख्त हैं। ये पीछे बंद गोभी आप लोगों को नज़र आ रही है, बंद गोभी यहाँ पे बड़ी ज़्यादा काश की जाती है। ये लोग इकट्ठी करके कलेक्ट करके मार्केट में शायद सेल करने जा रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर ये मुझे दिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये एक दिखाएंगे आप? ये भाई बंद गोभी का ये देखें लेके आ रहे हैं। थैंक यू। कितने की है भाई? कितने की है ये देखें। और ये लोग यहाँ पे कीमे में बनाते हैं, हम लोग वैसे गोश्त में भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यहाँ ज़्यादातर ये सलाद में इस्तेमाल होती है, घर में भी मतलब सालन में भी बनती है। तो ये मैं, हो सकता है अगर मेरे साथ ये इसी तरह चली गई तो मैं घर जाके बनाऊंगी, इसका जायका किस तरह का होगा। अब तो ये पकाऊंगी तो खाऊंगी। लेकिन सेब हम लोगों ने, ये एक सेब वो भी पड़ा हुआ है, मुझे टूरिस्ट भाई ने तोड़ के दरख्त से फ्रेश दिया, इतना जूसी है और इतना मज़े का है, यकीन माने कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अभी एक ताकतवर चीज़ आपने खा ली है। मतलब कोई किसी किस्म के केमिकल्स वगैरह ये लोग यूज़ नहीं करते। तो चलिए अब हम जा रहे हैं गबराल की तरफ, वहाँ की भी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पोटैटो है ये? हाँ, मैं वही तो कह रही थी कि मैंने देखे तो है लेकिन पकड़ के। आप देखो जैसा आलू बुखारा है, आलू बुखारा भी और चिकंदर भी नहीं जिस तरह। हाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के, जो कि जाना तो हम लोगों ने गबराल था, लेकिन गबराल को क्रॉस हम लोगों ने किया, अथरोड को क्रॉस किया। ये खरखड़ई झील है, ये इस वजह से इसका नाम है खरखड़ई झील, क्योंकि गर्मियों में इसके ये पानी की आवाज़, इस झील के पानी की आवाज़ इस तरह से आती है, इस वजह से इसका नाम है। तो हमारे टूरिस्ट ने बताया कि गबराल और अथरोड में देखने की कोई इतनी खास जगह नहीं है, बस गुज़रते हुए जो मनाजर हैं, जो माउंटेन हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, खुश्क मेवा जाता है, वही चीज़ें हैं, और थ्रू आउट वहाँ से लेके यहाँ तक वो चीज़ें साथ साथ हमारे चलती आई हैं। और यहाँ पे इंसानी रहन सहन भी इस मुकाम पे आके ख़त्म है, एंड है। इससे पहले पहले जो हमारी बैक साइड है, पीछे हम जगह छोड़ आए हैं, वहाँ तक तो थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें दूर दूर तक आपको कोई बने कोई झोंपड़ियाँ या कोई भी घर नहीं नज़र आएंगे। हाँ, और वो ऊपर बादल देखें किस तरह से माउंटेन है और उनके ऊपर मूव कर रहे हैं, और वो देखें बर्फ़ भी, हाँ ग्लेशियर बने हुए हैं माउंटेन के ऊपर।
हाँ जी, जब एक माह गुजर जाएगा, स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बर्फ की चादर जो है वो इन जो देवहकल पहाड़ हैं इनके ऊपर अपनी चादर बर्फ़ तान लेगी। एक और चीज़ जो मैंने टूरिस्ट ने मुझे बताई है, हमारे टूरिस्ट ने, उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट गाइड हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो उशू के जंगलात हैं, अथरोट और गबराल, ये हिंदू यहाँ पे रहते होते थे, उनके नामों से ये जगह जो है मंसूब कर दी गई हैं। तो पाकिस्तानियों ने इसका नाम नहीं रखा, ये खड़खड़ई जी जो है शायद पाकिस्तानी की किसी की पैदावार है, उन्होंने इसको नाम दिया है। और इसका पानी चेक करें किस तरह से पानी फ्लो कर रहा है, मैं ज़रा हाथ लगा के भी आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। अच्छा, और बहुत ठंडा बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडा पानी है, जिस तरह हम गर्मियों में पीने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह से ये ठंडा पानी है और साफ पानी है, बिल्कुल कोई गंदा पानी नहीं नज़र आ रहा। और गाड़ियाँ भी आपको बुराए नाम देखें, मेरे ख्याल में हम लोग ही हैं जो अपने टूरिस्ट के साथ, टूरिस्ट गाइड के साथ आ जाए हैं, कुछ वीकेंड नहीं है इस वजह से भी। और इसके बाद हम लोगों ने जनाब घर की तरफ मूव करना है, वजह ये है कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको टेम्परेचर हो रहा है बार बार, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि यार आज हम क्विट करें यहाँ से जा के, क्योंकि शायद हमारे बच्चे यहाँ के बच्चों की तरह आदी नहीं है। आपने देखा वीडियोस में, मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को, सलूट है यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के रहन सहन को, शायद हम लोग आदी हो चुके हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने उशू के जंगलात की जो वीडियो, अथरोट की, सवाद की, जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं आप लोगों ने मुझे बताया, मॉडर्न झील की आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये खड़खड़ई झील भी कैसी लगी। ये सारे पॉइंट मैंने कोशिश तो की है कि सारे पॉइंट्स की वीडियो नोट करके आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊं, ठीक है, और की भी हैं कुछ वीडियो, आप लोगों को होपफुली पसंद भी आई होंगी। अंटी द नेक्स्ट वीडियो, सवा मुकद्दस को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।